अभी हाल ही में वो खबर जिसने हमारे दिल और मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया, जब एक नन्ही सी बच्ची को आदमखोर तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया था। अब उस बच्ची के पिता ने एक और भावुक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने अपील की है कि उनकी बच्ची की डेड बॉडी की वीडियो जो भी लोग शेयर कर रहे हैं सिर्फ लाइक और कमेंट्स के लिए, तो वो उस वीडियो को शेयर ना करें। जिसमें कि जब हम उस बच्ची को उठा रहे हैं, वो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ मेहरबानी करके एज अ ह्यूमन उस चीज़ को जो है डिलीट करे, क्योंकि मेरे से वो देखा नहीं गया, तो उसकी माँ अगर देखेगी वो तो बेचारी वहीं मर जाएगी। वो कौन देख सकता है? वो मतलब इंसान हो ही नहीं सकता जो उस वीडियो को देख सकता है। वो मेरे को समझ नहीं आता उसने क्या सोच के, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक एंड कमेंट्स, मतलब वो ये चीज़ें कर रहे हैं। अगर वो इस चीज़ के लिए कर रहे हैं तो वो इंसान नहीं है। तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ सबसे गुजारिश है इस चीज़ को इतना शेयर करें कि ताकि हर किसी के पास ये खबर पहुंचे कि उसको जो है वीडियो को डाउन करें। हमने DC साहब से भी अपील की थी, हमने साइबर सेल से भी अपील की थी कि इस चीज़ को डाउन करें, लेकिन अभी वो नहीं हो रहा। तो ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी एक फैमिली के लिए। बच्ची के पिता का कहना है कि वो वीडियो उनसे नहीं देखी जा रही है, तो उस बच्ची की माँ उस वीडियो को कैसे देख पाएगी? इसलिए आप अपने लाइक्स और शेयर्स बढ़ाने के लिए किसी की भावना को ठेस ना पहुँचाएं। जिन भी लोगों ने वो वीडियो डाली है, बच्ची के पिता ने हाथ जोड़ के अपील की है उस वीडियो को कैसे भी करके हटा दें। अगर सिर्फ लाइक के लिए उस वीडियो को डाल रहे हैं तो वो इंसान नहीं है। बच्ची के पिता ने कहा है कि हमने वहाँ के DC से भी अपील की है, हमने साइबर सेल से भी अपील की है उस वीडियो को हटवाने के लिए, लेकिन किसी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इसलिए एक परिवार की हाथ जोड़कर विनती है उस वीडियो को अपने चैनल से डिलीट कर दें। मीडिया दरबार भी उन सभी लोगों से अपील करता है कि बच्ची की इस तरह की वीडियो ना दिखाएं, इस तरह किसी की निजी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। धन्यवाद।